हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अभी के टाइम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिली है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 5,000 करोड़ रुपीज़ तक का फंड रेज करेगी, बट वो फंड अभी और इंक्रीज हो चुका है। वो भी देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ है, और ये QIP यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही अपडेट दिया था जब कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आए थे उस टाइम, कि यहाँ पे कंपनी QIP लेके आ रही है। QIP के जरिए फंड रेज करेगी और वही फंड अपने बिजनेस में लगाएगी और उसका बेनिफिट जो है वो लेगी। अब ये QIP का फ्लोर प्राइस वगैरह क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट है, यहाँ पे हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। 8% की बहुत ही शानदार हमें तेज़ी देखने को मिली आज के इस दिन में। 1,135 रुपये के लेवल्स पे स्टॉक अगेन आ चुका है। रिसेंटली हमें देखने को मिला कि स्टॉक ने 1,050 रुपीज़ का 1,150 रुपीज़ का लेवल टच किया, एंड उसके बाद स्टॉक सिंगल डे में अगेन गिर गया। स्टॉक आपका आ गया फिर से 1,050 पे। बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को बेकार स्टॉक भी बोला, एंड अगेन ये स्टॉक अगेन उसी लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिल चुका है। देखिए, वॉल्टिलिटी हमेशा बनी रहती है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमेशा के लिए वॉल्टिलिटी बनी रहती है। स्टॉक सिंगल डे में 10% अप, सिंगल डे में 10% डाउन, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। लास्ट 5 डेज में 10% का अपसाइड मूवमेंट दिखा है, लास्ट 1 मंथ में 13% एंड 6 मंथ में यहाँ पे 5%। अब देखिए, यहाँ पे इलेक्शंस के टाइम से पहले भी ऑलमोस्ट जब ये स्टॉक ने एक डिप लगाया था 900 तक का, वहाँ पे भी मैंने आपको एक व्यू बताया था बुलिस 980 के आसपास, एंड उसी के साथ साथ जब स्टॉक 1200 पे पहुँचा इलेक्शंस के टाइम, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मैं बुलिस था। बट अचानक शेयर गिरे, एंड जब स्टॉक ने इलेक्शंस के बाद एक डिप लगाया, जब स्टॉक आपका 900 के आसपास आया, वहाँ पे भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि ये गिरावट मौका है। तो किसी ने भी मान लो अगर 1200 पे ऐड किया है, 900 पे भी ऐड किया है, दोनों प्राइस पे ऐड किया है, तो उसका जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 1050 के आसपास आया होगा, एंड वो अभी के टाइम 10% प्रॉफिट में। तो अब यहाँ पे मेरा आगे का क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक में, वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आज का डेटा देखते हैं एंड न्यूज़ देखते हैं। तो अभी के टाइम दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्टॉक आज का ओपन होता है 1064 पे, 1054 रुपये का लो लगाता है, उसके बाद यहाँ पर 1137 रुपये तक का स्टॉक हाई लगाता है। वॉल्यूम्स की बात करूँ, 91 लाख क्वांटिटी का हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है, 1000 करोड़ के वैल्यू के शेयर आज ट्रेड होते हैं। उसी के साथ साथ 34% क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिलती है। डिलीवरी क्या ज़्यादा है या फिर कम है, एवरेज डिलीवरी हमें नज़र आ रही है। 30 से डिलीवरी अगर नीचे होती है तो वो एक डिलीवरी कम मानी जाती है, एंड 30 से 50 के बीच होती है तो वो एवरेज डिलीवरी मानी जाती है, और 50 से अगर ऊपर होती है तो वो डिलीवरी जो है वो अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि अदानी समूह की अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो QIP के माध्यम से $1 बिलियन जो है फंड जुटाने वाले हैं। हिंडनबर्ग विवाद के बीच यहाँ पर ये पहली बार हमें देखने को मिला है। मतलब दोस्तों ये हमें होते हुए नज़र आ रहा है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो कंपनी क्या कर रही है, $1 बिलियन का फंड जो है वो रेज करेगी। एंड उसी बीच यहाँ पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ही अदानी ग्रुप जो है ये पहली बार QIP लेके आ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले OFS का अनाउंसमेंट किया था ऑफर फॉर सेल अदानी एंटरप्राइजेज में, बट हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से वो फिर कैंसिल करना पड़ा। बट हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अभी के टाइम ये फर्स्ट टाइम हमें QIP देखने को मिल रहा है, जो कि $1 बिलियन का जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इसी QIP में दोस्तों यहाँ पे जो रिस्पांस है ना वो बहुत ही तगड़ा आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन डूब जाएगा, कंपनी ओवरबॉट है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, बट इसी ओवरबॉट प्राइस पे जो है कि 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर जो है कि शेयर बिक्री के जरिए $1 अरब जुटाए हैं, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद समूह द्वारा जुटाई गई पहली सार्वजनिक इक्विटी है, जिसने अरबों डॉलर के शेयरधारकों के मूल्य को यहाँ पे नष्ट कर दिया था। तो इसी बीच यहाँ पर जो है कि दोस्तों अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने ये जो फंड रेजिंग है ये QIP के जो माध्यम से किया है, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि आज के दिन ये QIP जो है वो हमें खुलते हुए नज़र आया, जिसमें इसका जो सब्सक्रिप्शन है, मांग जो है, डिमांड जो है वो दोस्तों 3 गुना देखने को मिली। मतलब ये रहा था कि अदानी ग्रुप ने सिर्फ $1 बिलियन का ही प्रस्ताव किया था कि हम मार्केट में $1 बिलियन के शेयर जो है वो बेचेंगे मार्केट में, और उसके बदले जो है कि $1 बिलियन जो है वो रेजिंग करेंगे। बट यहाँ पर क्या देखने को मिला, डिमांड जो है वो उससे भी ज़्यादा आ गई। डिमांड जो है वो दोस्तों 26,000 करोड़ की देखने को मिल गई। अब डिमांड कितनी, $3 बिलियन की हमें नज़र आ गई। इन्होंने ये जो है कि QIP 8,500 करोड़ का ही था,
बट डिमांड 26,000 करोड़ की हमें देखने को मिल गई, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिमांड हमें यहाँ पे नज़र आई है, जिससे यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा लेन देन बन गया। अब देखिए यहाँ पर यह है कि अदानी ग्रुप ने मांगा तो सिर्फ 1 रुपया था, बट इन्वेस्टर्स 3 रुपये देने को तैयार बैठे हैं। इन्वेस्टर जो है वो 3 रुपये देने को तैयार बैठे हैं, तो ये एक पॉजिटिव थिंक है। अब ये कोई रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर जो 1 रुपये है वो भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो बड़े फंड हाउस है जैसे SBI वगैरह, इनसे जो फंड ये रेज कर रहे हैं तो इनसे मांग तो 1 रुपये रहे हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट 3 रुपये करने के लिए तैयार बैठे हैं। एंड ये जो QIP रखा गया है, ये QIP का जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो दोस्तों यहाँ पे 1,027 रुपये रखा गया है। $1 बिलियन ये फंड रेज करने वाले हैं, 1,027 रुपये का यहाँ पर इन्होंने QIP रखा है, QIP का जो फ्लोर प्राइस है वो रखा गया है, जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि अच्छी खासी डिमांड बनी है। अब आप बोलेंगे ये फ्लोर प्राइस क्या होता है, देखिए QIP होता है, OFS होता है, वो क्या होता है कि थोड़े डिस्काउंट प्राइस पे लाया जाता है। तो यहाँ पर 1,027 मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो सुबह के टाइम जो प्राइस चल रहा था ना उसी प्राइस के आसपास ये QIP ला रहे, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट दे नहीं रहे, और उस प्राइस जो प्राइस है उस प्राइस पर भी बड़े फंड हाउस यहाँ पर लेने को तैयार बैठे, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे में यहाँ पर आने वाले समय में एक अच्छा रिस्पांस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर QIP की वजह से। और जिस हिसाब से 1,027 रुपये का जो फ्लोर प्राइस रखा गया है ये एक बेस प्राइस बन चुका है। अब मेरा ये मानना है कि 1,027 रुपये के नीचे अगेन ये स्टॉक जाना थोड़ा हमें मुश्किल लग रहा है, ये यहाँ पे हो सकता है 1,027 से नीचे जाना स्टॉक थोड़ा मुश्किल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है मुश्किल। तो दोस्तों अदानी एनर्जी सॉल्यूशन QIP के डेटा हमें अच्छा देखने को मिला, अच्छी खासी डिमांड भी बन रही है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है। कल भी एक मोमेंटम बन सकता है जिसमें 1,150 से 1,160 के लेवल्स दिख सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी जितनी भी कंपनियाँ हैं PSU हो प्राइवेट हो मैक्सिमम कंपनियों के मंथली RSI हाई है, बट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का मंथली RSI बिल्कुल हाई नहीं है, कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसे में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी के टाइम रिसेंटली लास्ट 1 ईयर से एक जगह पर रुका हुआ है, बाकी अभी के टाइम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है आज के दिन। जैसे कि यहाँ पे आप चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लास्ट पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे जब भागा था ना स्टॉक यहाँ पे एंट्री बनाई, बट जैसे ही स्टॉक ने 6 महीना उनको वेट करवाया सबका पेशेंस खत्म हो गया एंड सब ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, स्टॉक रॉकेट बन गया। एंड अब जब रॉकेट बना सबने यहाँ पे हाई पे एंट्री ली एंड अब यहाँ पर जो है 6-7 महीने हो चुके हैं, सबका पेशेंस हो चुका है ख़त्म। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है ब्रेकआउट, कुछ बड़ा होते हुए नज़र आ सकता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में मिनिमम मेरा जो पहला टारगेट है वो मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ से 1,300 का लेवल, अगर ये लेवल टूटा तो मुझे 1,600 के लेवल्स दिख सकते हैं इस स्टॉक में, ये मेरा पर्सनली व्यू है। बाकी इस स्टॉक को मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपका व्यू कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि कोई 10% के लिए आता है तो कोई 100% के लिए आता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जब तक 2000 नहीं जाता तब तक इस स्टॉक को मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा, ओवरऑल ये मेरा लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से व्यू है। थैंक यू।